इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम ब्रांच यूनिट 6 ने एक रेड की, जिसमें ऐसा पता चला था कि अंतरराज्यीय गिरोह है, इंटरस्टेट गैंग है, जो ड्रग्स की खरीदी बिक्री करते हैं और मुंबई में इनका बड़ा नेटवर्क है। इस बेसिस पे हमने टीम्स तैयार करके इनको पकड़ने के लिए टीम्स लगाए थे और साथ में ही कुछ हाउस सर्चेज पॉसिबल थे, उनके लिए भी हमने टीम तैयार की थी। तो जब हमें ये दो गाड़ियाँ मिली, उनको सर्च करने पे हमें पता चला इनके पास ड्रग्स हैं, वो हमने सीज किए और उसके बेसिस पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे कुछ हाउस सर्च हुए और वहाँ से भी हमें ड्रग्स मिले, कुछ कैश मिला, अराउंड 70 लाख रुपीस कैश मिला है, 17 लाख रुपये, और साथ में एक और टू व्हीलर मिली जहाँ से ड्रग्स मिला था। तो टोटल दो कार, एक टू व्हीलर, अराउंड 17 लाख से ज़्यादा कैश और साथ में MD 350.23 ग्राम MD मिला है और साथ में 45 ग्राम चरस मिला है, लब्ध किया है। और इसके बेसिस पे 9 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध FIR पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है और जो आगे का तपास है, आगे का इन्वेस्टिगेशन है, वो यूनिट 6 क्राइम ब्रांच कर रही है। तो हमें दो अलग अलग गाड़ियाँ मिली मुलुंड टोल नाका के पास। तो जो पहली गाड़ी थी, जो पहले मिली, उसमें 6 लोग मिले जो ड्रग्स के साथ थे, और उसके बाद एक और गाड़ी बाद में मिली जिसमें 2 लोग थे, इन 2 लोगों के पास भी ड्रग्स थे। और इनकी इनसे पूछताछ करने के बाद फिर हमने हाउस सर्च लिए जहाँ और इन्फॉर्मेशन मिली, और वहाँ से फिर ड्रग्स मिले और कैश मिला जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था, ड्रग बेचने से जो पैसे मिले थे वो थे, और साथ में एक टू व्हीलर मिला जहाँ जिसमें से और ड्रग्स मिले। तो ये सब हमने जब्त किया है और इसके बेसिस पे NDPS के सेक्शंस के अंतर्गत हमने ये ऑफेंस दाखिल किया है।